स्टार्ट करते हैं अपना एक और टॉपिक, नाउन केस. ठीक है, नाउन केस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए. नाउन केस, चलो नाउन केस है क्या ये? नाउन केस मैंने अभी बताया था कि नाउन क्या कोई भी वर्ड हमेशा अलग अलग तरीके के रोल प्ले करते हैं. जब ये नाउन सब्जेक्ट की तरह प्ले करेगा तो बन जाएगा सब्जेक्टिव केस, और जब ये नाउन ऑब्जेक्ट की तरह प्ले करेगा तो बन जाएगा ऑब्जेक्टिव केस. तो यहीं से हमको दो केसेस तो इसने बता दिए. सबसे पहला हुआ सब्जेक्टिव केस, दूसरा केस हुआ ऑब्जेक्टिव केस. सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, इसका नाम आपको किस तरह से दिखता है? सब्जेक्टिव का नाम आपको दिखता है नॉमिनेटिव केस के नाम से, और इसका नाम दिखता है आपको एक्यूजेटिव के नाम से. एक्यूजेटिव केस मीनिंग तो आपको समझ में आ ही गया है. सब्जेक्टिव केस मतलब जो सब्जेक्ट की तरह काम करे, ऑब्जेक्टिव केस मतलब जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करे. रवि कॉल्ड ऋतु, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है. रवि किसकी तरह काम कर रहा है? सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. और ऋतु किसकी तरह काम हो रहा है? तो ऋतु का काम हो रहा है ऑब्जेक्ट की तरह. अगर काम उसने किया सब्जेक्ट की तरह तो बन गया सब्जेक्टिव केस, काम किया ऑब्जेक्ट की तरह तो बन गया ऑब्जेक्टिव केस. और किसकी तरह से काम करता है? तीसरा काम करेगा ना सब्जेक्ट की तरह ना ऑब्जेक्ट की तरह, बल्कि किसी को डिनोट करने के लिए, मतलब किसी को एड्रेस करने के लिए, और उसी को हम बोलते हैं वोकेटिव केस. याद कैसे रहेगा? कभी कभी घर खाली करना होता है, खाली मीन्स वैकेट. ठीक है, तो वही वोकेटिव केस क्या है? एड्रेस करना. ठीक है, नया एड्रेस ढूंढना पड़ेगा. टू एड्रेस समवन क्या हो जाएगा? टू एड्रेस समवन. रवि यू कैन गो टू मार्केट. आपने किसको एड्रेस करके कहा? आपने किससे कहा कि तुम जा सकते हो मार्केट? किससे कहा? रवि से कहा. तो जब आपने ये बात किसी से कही, किसी को एड्रेस करने चाहिए, तो वो क्या हो गया? वोकेटिव केस. इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम करेगा वो है पोसेसिव केस. पोसेसिव केस क्या है, इसके बाद पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे पोसेसिव केस के बारे में. POSSIVE पोसेसिव केस. इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द पोजिशन, इट इज़ यूज टू प्रेजेंट द पोजिशन और बिलोंगिंगनेस. ठीक है, अभी हम पोजिशिव केस के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे. इससे पहले जानते हैं सब्जेक्टिव केस मतलब जब नाउन सब्जेक्ट की तरह काम करता है, ऑब्जेक्टिव केस मतलब जब नाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, वोकेटिव केस मतलब जब हम किसी को एड्रेस करने के लिए सब्जेक्ट का यूज़ नाउन का यूज़ करते हैं वो होता है वोकेटिव केस. पोजेसिव केस कौन सा है? जब हम किसी पोजीशन या बिलोंगिंगनेस को शो करते हैं. ठीक है, आप इसको कंप्लीट. चलिए, हम लोगों को पोजीशन शो करने के लिए पोजेसिव केस होता है ना? तो पोजेसिव केस के बारे में हमको डिटेल डिस्कशन करना है. लेट्स स्टार्ट विद इट. दो चीज़ें होती हैं, या तो चीज़ें लिविंग होती हैं या नॉन लिविंग होती हैं. अगर चीज़ें लिविंग हैं, उसका पोजीशन शो करने के लिए हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं. ठीक है, क्या लगाते हैं? एपोस्ट्रोफी एस. एग्जाम्पल, राम्स पेन. राम लिविंग है, उसका पोजीशन किस पर शो किया? पेन पर. तो एपोस्ट्रोफी एस लगाया. लेकिन यही चीज़ें अगर नॉन लिविंग हो और नॉन लिविंग का हमको पोजीशन शो करना हो,
तो एपिस्ट्रॉफी एस लगा के पोजीशन शो करना पूरी तरह से गलत होता है। और सही क्या होता है? तो सही होता है हम सबसे पहले जिसके ऊपर पोजीशन शो कर रहे हैं वो लिखेंगे, उसके बाद ऑफ और नाउन। पोजीशन किसका? तो इस पेन के बारे में बात कर लेते हैं। इंक किसकी? ऑफ मार्कर। इंक ऑफ मार्कर, ठीक है। यहाँ पर हमको ये बात समझ में आई कि अगर हमें लिविंग में पोजीशन शो करना है तो एपिस्ट्रॉफी एस लगाना है, नॉन लिविंग में करना है तो पहले पोजीशन लिखेंगे, देन प्रीपोजिशन ऑफ और उसके बाद में वो नाउन जिसके ऊपर हम पोजीशन शो कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या, अब ये कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जहाँ पर हम पोजीशन के लिए एपिस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। लिखना स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, किसी प्लेस के लिए या किसी टाइम के लिए अगर हमको पोजीशन शो करना है, हालांकि प्लेस और टाइम नॉन लिविंग दिख रहा है लेकिन देन तो इसके बाद पोजीशन के लिए हमको एपिस्ट्रॉफी एस ऐड करना है। क्या, कैसे? ठीक है, प्लेस इंडिया, इंडिया की पॉपुलेशन, इंडियाज पॉपुलेशन, ठीक है। इसके बाद टाइम, ठीक है। तो टाइम का अगर हमको कुछ पॉजिटिव दिखाना है तो टू डेज लीव, दोनों चीज़ें हो गई, प्लेस भी हो गया और टाइम भी हो गया। समझने वाली चीज़ क्या है? इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया अपने आप में एक कंप्लीट नाउन है, प्रॉपर कंप्लीट नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है। इसका प्लूरल करने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया की पॉपुलेशन। बात की टू डेज लीव, दो दिन, दो दिन कैसे हैं प्लूरल? अगर मुझे सिर्फ टू डेज लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूँगी टू डेज, वन डे तो वन डे, ठीक है। बात यह समझ में आई कि यहाँ पर डे में एस एपोस्ट्रॉफी एस ऐसे लगा, इससे ये समझ में आता है कि ये एक दिन के बारे में बात हो रही है। तो अगर हमें दो दिन के बारे में बात करनी है तो हमको ये कैसे लिखना है? डी ए वाई एस एपोस्ट्रॉफी एस, दिनों के बारे में तो बात कर रहे हैं तो डेज एपोस्ट्रॉफी एस, या फिर डी ए वाई एस के बाद एपोस्ट्रॉफी। अब मैं बताती हूँ कि करेक्ट आंसर क्या रहेगा। टू डेज, ये तो सिंगुलर है डे, ये तो पूरी तरह से रॉन्ग है। उसके बाद ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग क्यों है? एक टर्म होती है हिसिंग साउंड, एक टर्म क्या होती है? हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड मतलब मैं इसको पढ़ने की कोशिश करती हूँ, डेज ज, मतलब ऐसे स करके जो ये जो ज का साउंड है ये चलता जा रहा है, मतलब ऐसी साउंड्स जैसे कि डबल एस, मतलब जहाँ पर कहीं पर भी हमको हिसिंग साउंड में एस एस का साउंड रिपीट होता रहेगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हिसिंग साउंड। और उस केस में हमको क्या करना है? हमको ये करना है कि वहाँ पे हमें एपिस्ट्रॉफी एस ना लगा करके वर्ड के एंड में, वर्ड के एंड में सिर्फ एक एपिस्ट्रॉफी ऐड करना है, वर्ड के एंड में सिर्फ एक एपिस्ट्रॉफी ऐड करना है, ठीक है। इससे हमको बात क्या समझ में आई? ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि हिसिंग साउंड में वर्ड के एंड में एपिस्ट्रॉफी आएगा ना कि उससे बीच में, ठीक है। अगर हम डे में, डेज में अगर हमने एपिस्ट्रॉफी यहाँ मतलब डे के बाद लगाया होता तो होता ये कि उसका मीनिंग चेंज हो जाता, वो सिंगुलर पोजीशन को शो करता, जबकि यहाँ पर प्लूरल लगेगा, डेज प्लूरल सेंस में वर्क कर रहा है, प्लूरल सेंस में वर्क करेगा मतलब हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए हम वर्ड के एंड में एपिस्ट्रॉफी लगाते हैं ना कि उसके बाद। हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने समझा कि नाउन के अंदर लिविंग नॉन लिविंग, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग के बाद जो समझ में आया वो ये था कि कहाँ पर हमको नॉन लिविंग के साथ भी एपिस्ट्रॉफी एस लगाना है। हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी, प्लेस और टाइम,
इसके बाद और जो चीज़ें रहेंगी प्लेस और टाइम के अलावा, फर्स्ट क्या था? प्लेस, सेकेंड टाइम, थर्ड रहेगा सेलेस्टियल बॉडी। थर्ड क्या रहेगा? सेलेस्टियल बॉडी मतलब हमारे प्लैनेट से रिलेटेड बात हो रही है। फॉर एग्जांपल सन्स रेज, सूरज की किरणें, ठीक है, नॉन लिविंग है लेकिन देन थू अफोस्ट्रोफियस लेता है पोजीशन शो करने के लिए, ठीक है। इसके बाद इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, कौन से एक्सप्रेशंस? इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, एट एन आर्म्स लेंथ, ठीक है। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के लिए हमको फिर से क्या शो करना है? एपोस्ट्रोफी एस। रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर नॉन लिविंग होने के बाद भी एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। लास्ट में हमने कभी एक और चीज़ पढ़ी थी, हिसिंग साउंड। अगर हिसिंग साउंड आता है तो एपोस्ट्रोफी एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वर्ड के एंड में सिर्फ एक एपोस्ट्रोफी लगा दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन क्या है? पर्सोनिफिकेशन मतलब पर्सन जैसा कुछ साउंड कर रहा है। पर्सन जैसा कुछ साउंड कर रहा है मतलब कि पर्सन की क्वालिटीज़ या फिर पर्सन का रेफरेंस हम किसी नॉन लिविंग चीज़ को दे रहे हैं, मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, इन एनिमेटेड से एनिमेटेड मान रहे हैं। नेचर, नेचर क्या कुछ पर्सन है? नहीं, लेकिन देन तो हम लोग बोलते हैं नेचर्स ब्यूटी। नेचर्स ब्यूटी का क्या मतलब हुआ? नेचर्स ब्यूटी का मतलब हुआ नेचर की ब्यूटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। नॉन लिविंग है लेकिन देन तो एपोस्ट्रोफी एस ले रहा है पोजीशन शो करने के लिए, क्योंकि हम नेचर को ब्यूटी से रिलेट कर रहे हैं। ब्यूटी तो किसी पर्सन की होती है, ठीक है। इसी तरीके से हम और चीज़ देखते हैं, इंडियाज हीरोज, इंडिया के हीरोज, इंडिया के हीरोज। अब इंडिया फिर से क्या है? नॉन लिविंग है लेकिन इंडिया के हीरोज के बारे में बात हो रही है, तो फिर से हमने इसको क्या किया? पर्सोनिफाई किया, ठीक है, हमारे वीर जवान। तो फिर से चीज़ें क्या हो रही हैं? चीज़ों को रिलेट किया जा रहा है, उनको पर्सोनिफाई किया जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ें वो थी जब हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं नॉन लिविंग चीज़ों के साथ उनका पोजीशन शो करने के लिए। एक नाउन होता है कंपाउंड नाउन, कौन सा नाउन है? छोटा सा टॉपिक है, यहीं पर लिखते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड मतलब दो या तीन चीज़ों से मिला हुआ, कंपाउंड मतलब मिक्सचर। जैसे कि ब्रदर अलग है, इन लॉ अलग है, ब्रदर एक अलग एंटिटी है और इन लॉ एक अलग एंटिटी है, ठीक है। जब हमने इनको कंबाइन किया तो ये बन गया कंपाउंड नाउन, और कंपाउंड नाउन को प्लुरलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? इसके लास्ट में एस लगाएंगे, ठीक है। इसी टाइप से चीफ मिनिस्टर्स, प्लुरलाइज करने के लिए इसके लास्ट वर्ड में एस लगाया जाएगा, ठीक है। अब समझना है पोजीशन किस तरीके से काम करता है। अच्छा, यहीं पर हम इसको फर्स्ट ऑफ एस भी लगाते हैं पोजीशन शो करने के लिए, ठीक है। दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। अब समझना क्या है? अब समझने की बात यह है कि पोजीशन हमेशा सिर्फ एक ही इंसान का तो नहीं होता है पोजीशन। व्हाट इफ अगर एक से ज़्यादा लोगों का पोजीशन शो करने की बात की जाए, मतलब अब पोजीशन में नाउन के नंबर को बढ़ाना है। दो तरीके से इसको बढ़ाएंगे। पहले एक बिल्कुल लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, जो है हमारा सिक्वेंशियल कॉमा। हम लोग लगा देते हैं एक्चुअल में सीक्वेंस में कॉमा, जिसको हमें अवॉइड करना है, सीक्वेंशियल कॉमा, ठीक है। नाउन वन लिखा, नाउन वन के ऊपर एपोस्ट्रोफी लगा के कॉमा लगा दिया, फिर नाउन सेकेंड लिखा,
नाउन सेकंड में भी कॉमा लगा दिया, ठीक है, ये बिल्कुल गलत होता है, इस तरह से हमको इसका पोजीशन शो नहीं करना है, ठीक है। तो आखिर ये पोजीशन शो करना कैसे है, जैसे कि राम्स वाइफ्स डॉग, इसका करेक्ट फॉर्म लिखने का है डॉग ऑफ राम्स वाइफ। चीज़ क्या समझ में आई, बात यह समझ में आई कि सबसे पहले हमें क्या शो करना है, पोजीशन। पोजीशन के बाद हमें प्रेपोजिशन लेना है ऑफ, नाउन फर्स्ट के साथ सिर्फ एपोस्ट्रोफी ऐसा आता है और सेकेंड नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी शो करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पोजेसिव केस तो अपने आप में पोजेसिव ही रहा, उसको हमने रिलेट करना है किससे, फर्स्ट नाउन से। फर्स्ट नाउन से रिलेट करने का मतलब हुआ कि आप उसके वेरी फर्स्ट नाउन के ऊपर पोजीशन दे देंगे और फाइनली उसका पोजीशन तो शो हो गया वाइफ से। अब वाइफ का पोजीशन तो डॉग से आपको शो करना नहीं है, वाइफ का पोजीशन डॉग से आपने कैसे शो किया, इस ऑफ के यूज़ से। तो कभी कभी हम पोजीशन को शो करने के लिए यूज़ करते हैं किसका, ऑफ का, ठीक है। ये आपके पास एक एग्जैक्ट रूल तैयार हुआ कि सिक्वेंशियल कॉमर्स से हम अवॉइड करने के लिए हमको क्या करना होता है, एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ कि पोजीशन प्लस ऑफ, नाउन फर्स्ट एंड देन नाउन सेकेंड। एक और छोटी सी चीज़, डिफरेंस क्या होता है इट्स और इट्स में, मतलब अगर मैं एपोस्ट्रोफी लास्ट में लगाती हूँ या फिर एपोस्ट्रोफी ये बीच में लगाती हूँ, इसका डिफरेंस क्या होता है। इसके बाद एपोस्ट्रोफी लगाना बिल्कुल गलत है क्योंकि ये अपने आप में क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो फिर ये क्या है, क्या ये सिंगुलर इट का पोजिशन शो कर रहा है, नहीं, इसको हम बोलते हैं रेज्ड कॉमा। ये रेज्ड कॉमा क्या काम करता है, वर्ब को किसी भी नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल आई एम का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, आई एम, और इसको हम एपोस्ट्रोफी नहीं बोलते बल्कि क्या बोलते हैं, रेज्ड कॉमा। ही एपोस्ट्रोफी इज ही हैज ही वॉज, ये कुछ भी हो सकता है, और इसलिए इसको एपोस्ट्रोफी नहीं बोल करके आप लोग क्या बोलेंगे, रेज्ड कॉमा, क्योंकि एपोस्ट्रोफी का काम होता है पोजिशन को शो करना और रेज्ड कॉमा का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, इसको कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखना या फिर इसका कॉन्ट्रैक्शन करना। दैट्स ऑल अबाउट नाउन एंड वी विल बी डिस्कसिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन नाउन। ये सब था हमारे नाउन के बारे में, अब देखेंगे कि नाउन एग्जाम में कैसे आता है और उसके बारे में हम क्वेश्चंस फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे।